फिल्म के स्टार्ट में हमें एक रूम दिखाया जाता है जहाँ पर रखे बहुत से जार्स में स्पिरिट्स बंद होती हैं। अगले सीन में हम एक लड़की लीजा को देखते हैं जो वॉकी टॉकी पर आए अपने भाई रॉबर्ट के मैसेज से जागती है। उसके बाद वो जाकर रॉबर्ट को उसका वॉकी टॉकी देती है और कहती है कि तुम इसे मेरे रूम में छोड़ आए थे। रॉबर्ट बोलता है कि मैंने नहीं, एडगर ने वहाँ छोड़ा था। लीजा को लगता था कि एडगर रॉबर्ट का कोई इमेजिनरी फ्रेंड है, मगर रॉबर्ट कहता है कि वो इमेजिनरी नहीं है। लीजा की मॉम उसे लॉन्ड्री करने के लिए कहती है जो वो रोज करती थी। एक्चुअली में उनकी पूरी फैमिली का मर्डर हो चुका था और वो सब उनकी स्पिरिट्स थी। वो लोग उसी दिन में स्टक हो चुके थे जिस दिन उनका मर्डर हुआ था। लीजा ये बात जान गई थी कि वो मर चुकी है, लेकिन उसके मॉम डैड और भाई ये बात नहीं जानते थे। लीजा उन्हें बताने की कोशिश करती है मगर वो लोग यकीन नहीं करते और लीजा उस लूप में फंसे रहकर तंग आ चुकी थी। उसके डैड उस दिन गाड़ी ठीक कर रहे थे और नेक्स्ट डे उसका 16th बर्थडे था। उसकी मॉम को लॉन्ड्री के कुछ कपड़े नहीं मिल रहे थे। वो अपने पेरेंट्स को बताने की कोशिश करती है कि हम एक ही दिन में स्टक हो गए हैं और रोज वही काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग नहीं समझते क्योंकि उन्हें रोज पहले का सब भूल जाता था। तब वो बताने की कोशिश करती है कि हम सब मर चुके हैं, लेकिन रॉबर्ट आकर रोक देता है। उसके बाद वो अपने रूम में क्लैरिनेट बजाने के लिए जाती है और इसी तरह सारा दिन गुजर जाता है। अगली सुबह फिर से उसकी आंख रॉबर्ट के मैसेज से खुलती है जो एडगर के साथ किसी सीक्रेट केव में जाने की बात कर रहा था, और वो अगेन लॉन्ड्री के लिए जाती है। अचानक वहाँ उसे कोई आवाज आती है और वो देखने की कोशिश करती है मगर फिर डर के उधर से वापस आ जाती है। फिर फोन रिंग होता है मगर उठाने पर कोई नहीं बोलता। उसके बाद रूम में जाकर वो क्लैरिनेट बजाती है तो उसे कहीं और से भी क्लैरिनेट की आवाज आती है जो कि डक से आ रही थी। लीजा देखने की कोशिश करती है मगर तभी उसकी मॉम आकर उसे बुला लेती है। उसके बाद अगेन सेम रूटीन से दिन गुजर जाता है। रात को लीजा को अपने रूम के बाहर किसी के होने का एहसास होता है। वो उठकर बाहर जाती है तो उसे एटिक का दरवाजा खुला हुआ नजर आता है। वो अंदर जाने लगती है तो दरवाजा बंद हो जाता है। लीजा डर कर रूम में चली जाती है। अगली सुबह फिर वैसे ही उसकी आंख खुलती है और वो लॉन्ड्री रूम में मशीन के पीछे एक दरवाजा देखती है जहाँ से लास्ट टाइम आवाज आई थी, मगर वो लॉक था। उसके बाद रूम में क्लैरिनेट बजाते हुए दोबारा एटिक से आवाज आती है। अंदर जाने पर उसे एक वीडियो कैसेट गिरी हुई मिलती है जो उनके उस घर में शिफ्टिंग के टाइम की थी। लीजा उसे प्ले करके देखती है तो उसे पीछे खिड़की में घर के अंदर कोई स्पिरिट नजर आती है। उसके बाद लीजा ओइजा बोर्ड यूज करके पूछती है कि यहाँ पर कोई है जो क्लैरिनेट बजाकर मुझसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। फिर वो पूछती है आर यू डेड, लेकिन जवाब नहीं आता। तो लीजा पूछती है आर यू अलाइव, तो जवाब मिलता है यस। तभी अचानक से लाइट्स फ्लिक करने लगती है और हमें लीजा के पीछे कोई आदमी खड़ा नजर आता है जिसे रिफ्लेक्शन में देखकर लीजा डर के नीचे भाग जाती है। अगले सीन में डाइनिंग टेबल पर अपने डैड को स्मोकिंग करता देखकर लीजा हैरान हो जाती है क्योंकि पहले रोज की रूटीन में वो उस दिन स्मोक नहीं करते थे। उसकी मॉम भी रोज की तरह मूवी देखने की बजाय बुक्स पढ़ रही थी जिससे लीजा बहुत हैरान होती है। उसके बाद वो डैड के पास जाती है जो गैराज में गाड़ी ठीक कर रहे थे, मगर वो उसे रूम में जाने का कहते हैं। उस रात फिर से रूम के बाहर कोई खड़ा नजर आता है जो दरवाजा खोलकर अंदर आता है। लीजा चादर में छुप जाती है तो उसे किसी लड़की की आवाज आती है जो उसे बुला रही थी। लीजा डर कर उसे जाने के लिए कहती है तो फिर उसके देखने पर वहाँ कोई नहीं होता। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि डैड ने सब चीजें बिखेर रखी हैं और मॉम पर गुस्सा कर रहे हैं कि मेरे स्पार्क प्लग्स क्यों गायब हैं जो कार के इंजन में से गायब थे। मगर लीजा और मॉम कहती हैं कि हमें उनका नहीं पता। अचानक डोरबेल होती है और वहाँ एक पेल सा दिखने वाला आदमी होता है जो कहता है मैं फोन ठीक करने आया हूँ। लीजा उसे देख कर घबरा जाती है। वो आदमी ऊपर चला जाता है तो लीजा भी उसके पीछे जाती है और देखती है कि वो आदमी उसके रूम में बैठा सिगरेट पी रहा है। आदमी लीजा से पूछता है कि तुम्हें कब से पता चला कि तुम मर चुकी हो। लीजा उसे पूछती है कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या चल रहा है और हमारे साथ क्या हुआ है। तो वो कुछ नहीं बताता और कहता है कि तुम्हें कोई भी आवाजें आई या कोई तुम्हें बुलाए तो उसे इग्नोर करना। अगर तुमने किसी जिंदा इंसान या किसी और स्पिरिट से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की तो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अगले सीन में वो देखती है कि उसके मॉम और डैड को सिगरेट और सुबह की लड़ाई के बारे में कुछ याद नहीं था, जैसे वो सब हुआ ही ना हो। तो लीजा फ्रस्ट्रेट होकर घर से बाहर चली जाती है, लेकिन काफी देर चलने के बाद भी वो बार बार उसी घर तक वापस आ जाती थी। तो वो वापस अंदर जाकर एटिक में जाती है और ओइजा बोर्ड लेकर दोबारा से जिंदा लड़की से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है और अपनी कंडीशन बताती है। उस आदमी के बारे में भी बताती है जिसकी स्पिरिट ने उसे किसी से कॉन्टेक्ट करने से मना किया था। बहुत ज्यादा कोशिश के बावजूद भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो रूम में आ जाती है, लेकिन वहाँ बेड पर एक लड़की सो रही थी जिसका नाम ओलिविया था। वो लीजा से कहती है कि मेरी मदद करो, फ्लोर के नीचे देखो। बाहर से ओलिविया के फादर दरवाजा नॉक कर रहे होते हैं और फिर उनके दरवाजा खोलने पर सब गायब हो जाता है और लीजा सो जाती है। अगली सुबह वो फ्लोर के नीचे से एक डायरी निकालती है जिसमें फ्रांसिस निकोलस और कुछ और लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट्स वाली न्यूज़पेपर कटिंग्स लगी हुई थी। डायरी में से एक चाबी भी निकलती है जो कि लॉन्ड्री रूम वाले सीक्रेट डोर की थी। उस डोर से अंदर जाने पर लीजा को एक पैसेज मिलता है जिसके एंड पर पानी में पड़ी कुछ चीजें नजर आती है। वहाँ पर एक फर्नेस भी होती है जहाँ उसे एक लड़की के जलने का विजन आता है और फिर लीजा डर के बाहर आ जाती है और उसकी मॉम लंच के लिए बुला लेती है। रॉबर्ट डाइनिंग टेबल पर हर वक्त ये शो करता था कि एडगर उसके साथ है। अचानक फोन रिंग होता है और डैड लीजा को बताते हैं कि तुम्हारे टीचर की कॉल है। ये सुनकर लीजा घबरा जाती है।
फोन पर वही आदमी होता है जो उसे दोबारा वार्न करता है कि सीक्रेट्स को जानने की कोशिश मत करो, ये मेरा घर है, जैसे मैं कहूँ वैसे करो। फोन काटने के बाद लीजा को रॉबर्ट का फ्रेंड एडगर नजर आने लगता है जो उसके पेरेंट्स को नजर नहीं आ रहा था। एडगर बोलता है तो लीजा को रियलाइज होता है कि ये वही आदमी है। वो कहता है कि जो मैं चाहूंगा तुम सब वही देखोगे। उसके बाद लीजा को विजन आता है कि उसकी फैमिली की लाशें सड़कर खत्म हो गई है और वो अकेली रह गई है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से रोते हुए कहती है उन्हें वापस ले आओ। तभी अचानक सब ठीक हो जाता है और उसकी फैमिली वही होती है। फिर रूम में आने पर उसे ओलिविया की आवाज़ आती है मगर लीजा उसे खुद से दूर जाने के लिए कहती है। लेकिन तभी बाथरूम में उसे ओलिविया नजर आती है जिसके टच करने पर वो उसकी टाइमलाइन में पहुंच जाती है और ओलिविया की बॉडी में चली जाती है। वहां उसे अपनी फैमिली की मर्डर न्यूज का पेपर मिलता है। उनका 1985 में मर्डर हुआ था और ओलिविया की फैमिली फ्यूचर में उसी घर में रहती थी जिसमें उसके मॉम डैड और छोटी बहन थी। उसके डैड भी गाड़ी ठीक कर रहे होते हैं और स्मोकिंग करते हैं। वो लोग उसे ओलिविया समझ रहे थे। डैड उस पर गुस्सा करके अंदर जाने को कहते हैं और अपना लाइटर गाड़ी में फेंक देते हैं। तभी अचानक लीजा अपने टाइम में वापस आ जाती है। वो समझ गई थी कि उस आदमी का अगला विक्टिम ओलिविया की फैमिली है जिसने उन्हें मारकर इस घर में स्ट्रक किया हुआ था। लीजा फिर से ओलिविया से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करने लगती है तो उसे वॉकी टॉकी पर रॉबर्ट का मैसेज आता है कि मैं सीक्रेट रूम में एडगर के साथ हूँ और वो कह रहा है कि तुम्हें सजा मिलेगी क्योंकि तुम बुरी हो। ये सुनकर लीजा फौरन से उस लॉन्ड्री वाली सीक्रेट केव में रॉबर्ट को ढूंढने जाती है। वहाँ पर लीजा उसी फर्नेस में पहुँच जाती है और रॉबर्ट कहता है कि हमने तुम्हारे साथ ट्रिक किया है, मैं तो एटिक में हूँ। फिर एडगर आकर लीजा को वहाँ लॉक कर देता है। उधर एक लाश के पास लीजा को एक रिंग मिलती है जिसे उठाने पर ऊपर चिमनी का रास्ता खुल जाता है। लीजा वहां से ऊपर गैराज में पहुंचती है। उधर उसे वो किडनैप गर्ल फ्रांसिस नजर आती है। लीजा उसकी टाइमलाइन में पहुंच गई थी जिसे एडगर ने किडनैप कर रखा था और वो वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। लीजा उसे बताती है कि तुम मर चुकी हो और अब वापस घर नहीं जा सकती, तुम्हारी रिंग को टच करने से हमारा कनेक्शन बना। लीजा उसे रिंग देकर कहती है कि तुम भी मेरी तरह जाग जाओ। मगर अचानक एडगर वहां आकर फ्रांसिस को ले जाता है और लीजा अपने टाइम में वापस आ जाती है। उसकी मॉम आकर पूछती है कि तुम यहां क्या कर रही हो तो लीजा वहाँ से कुछ ढूंढने लगती है और उसे डाई थाई की बोतल मिलती है और वो समझ जाती है कि एडगर ने उस रात डैड को पोजेस करके उन सबको मारा था। वो मॉम से कहती है कि आपने हमें बचाने के लिए कुछ क्यों नहीं किया, प्लीज अब तो जाग जाएं। उसके बाद वो रॉबर्ट के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि रॉबर्ट भी जाग गया है, उसे अपने मरने का पता चल गया था। रूम में जाकर लीजा क्लारनेट बजाकर ओलिविया से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है और वो ओलिविया के टाइम में पहुंच जाती है। वहां उसे ओलिविया की वीडियो मिलती है जिसमें वो लीजा को बताती है कि तुमसे पहले इस घर में एडगर म्यूलेंस रहता था, उसने बहुत सी लड़कियों को मारा और फिर तुम्हारे इस घर में आने से पहले 1983 उसकी मौत हुई। मुझे तुम्हारा लॉकेट मिला जिस वजह से मैं तुमसे कनेक्ट कर सकी। मेरे डैड बदल चुके हैं, तुम मेरी मदद करो, हमें बचा लो। उसके बाद लीजा नीचे जाती है तो ओलिविया के डैड उसकी मॉम पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि मेरे स्पार्क प्लग्स कहाँ हैं। जैसा सीन ओलिविया ने अपनी फैमिली में पहले देखा था सेम वही रिपीट होता है। ओलिविया के डैड को एडगर ने पोजेस कर लिया था। लीजा उसकी मॉम से कहती है कि ये तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, तुम अपने बच्चों को लेकर इस घर से चली जाओ। डैड कहते हैं कि ओलिविया नींद में चल रही है, इसकी बात मत सुनो, मैं इसे रूम में छोड़कर आता हूँ। लीजा उससे डरकर बाहर भागती है और लोगों को हेल्प के लिए बुलाती है, कोई आवाज नहीं सुनता। लीजा भागते हुए लॉन से बाहर जाने लगती है तो गिर जाती है और एडगर उससे कहता है कि स्पिरिट अपने घर से बाहर नहीं जा सकती। उसके बाद लीजा अपने टाइम में वापस आ जाती है। तभी उसकी मॉम बताती है कि मैं जान गई हूँ कि हम सब मर चुके हैं। उसके बाद वो डैड के पास जाकर उन्हें वो सब याद करवाती है जो उस रात हुआ था। उन्हें याद आ जाता है कि उन्होंने अपनी फैमिली को मारा था। तब लीजा बताती है कि किसी ने आपको पोजेस करके ये सब करवाया। अचानक से घर जोर जोर से हिलने लगता है और चीजें टूटने लगती हैं। घर एडगर की टाइमलाइन में बदल जाता है। लीजा की फैमिली घर से बाहर आफ्टर लाइफ की तरफ चली जाती है मगर वो एडगर को रोकने के लिए वही रह जाती है। उसके बाद वो देखती है कि एडगर ने यंग एज में अपने पेरेंट्स को भी मार दिया था और वो लीजा को वहाँ से जाने के लिए कहता है। लीजा भागकर एक रूम में छुप जाती है जहाँ बहुत सारे जार्ज रखे हुए थे। एडगर बोलता है कि तुम यहाँ मुझसे नहीं छुप सकती, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरे पास नई स्पिरिट्स आ गई हैं। लीजा ओलिविया से दोबारा कॉन्टेक्ट करके उसके रूम में पहुँच जाती है जहाँ उसके डैड दरवाजा नॉक कर रहे होते हैं। लीजा बेड के नीचे छुप जाती है और उसके डैड के अंदर आने पर बाहर भागकर बेसमेंट में उस सीक्रेट केव में चली जाती है। उधर जो चीजें थी वो पहले उस घर में मरने वाले लोगों की पर्सनल बिलोंगिंग्स थी। लीजा उन्हें लेकर उन सब लोगों की स्पिरिट्स को बुलाने की कोशिश करती है ताकि एडगर को हरा सके, लेकिन ओलिविया के डैड वहां आकर उसे बेहोश कर देते हैं जो कि असल में एडगर था। उसकी आंख खुलती है तो वो गाड़ी में बंधी होती है। ओलिविया के डैड अपनी फैमिली को मारने वाले थे और ओलिविया की बॉडी में लीजा थी। लीजा गाड़ी में गिरा लाइटर उठाकर अपने हाथ पांव खोल लेती है और जब एडगर गाड़ी में बैठता है तो लीजा उसका गला दबाते हुए गाड़ी की चाबी लेकर बाहर भाग जाती है और चाबी दूर फेंक देती है। लेकिन एडगर के पास एक और स्पेयर चाबी थी और वो लीजा को पकड़कर मारने लगता है मगर तभी बाकी सब लोगों की स्पिरिट्स आ जाती हैं और एडगर को पकड़कर उसी फर्नेस में जला देती है। ओलिविया के डैड होश में आ जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ है। लीजा उन्हें सब समझा देती है और लीजा ओलिविया को गुड बाय बोलती है और सो जाती है। अगली सुबह वो अपनी फैमिली के साथ बर्थडे के दिन हेवन में जागती है। वो लोग उस लूप से अब बाहर आ चुके थे और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।